हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इंदू और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बालाजी क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कैन एल्गोरिथम या फिर एलिवेटर एल्गोरिथम। डिस्क शेड्यूलिंग की हमारी ये थर्ड एल्गोरिथम है, तो चलिए चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्कैन एल्गोरिथम के थ्रू। इसका नाम एलिवेटर एल्गोरिथम भी है। एलिवेटर एल्गोरिथम इस तरीके से है कि ये एलिवेटर की तरह काम करती है। जैसे एलिवेटर या तो ऊपर ही जाता है या फिर नीचे ही आता है, उसी तरीके से ये भी ट्रैक पे काम करेगी। या तो वो एक लार्जर साइड पे जाएगी ट्रैक के या फिर स्मॉलेस्ट साइड पे ही जाएगी ट्रैक के। तो देखिए, इसमें जब भी हमें प्रॉब्लम गिवन होगी तो प्रॉब्लम में साथ में ये भी बताया हुआ होगा कि जो ट्रावर्सिंग स्टार्ट हो रही है वो लार्जेस्ट वैल्यू से स्टार्ट हो रही है या लोवेस्ट वैल्यू से। वही प्रीवियस वाला एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है ताकि आपको इजीली समझ आए। क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज द ऑर्डर ऑफ द रिक्वेस्ट इज 82 170 43 140 24 16 190। ये हमारा ऑर्डर है रिक्वेस्ट का और यहाँ पे हमें मेंशन होगा, स्कैन के केस में हमें क्या है मेंशन होगा कि टुवर्ड्स हाई वैल्यू और लो वैल्यू हमें ट्रावर्स करवाना है स्टार्टिंग में। एंड करंट पोजीशन हमें गिवन है, रीड राइट हेड की हमें करंट पोजीशन 50 गिवन है और मूव करवाना है टुवर्ड्स द लो वैल्यू। सबसे जहां हम स्टार्टिंग करने वाले हैं वहां पे क्या करवाना है, हमें लोवेस्ट वैल्यू की साइड ट्रावर्स करवाना है। जब एक बार लोवेस्ट साइड हमारी कंप्लीट हो जाएगी ट्रैक की, ट्रैक जब हम लास्ट पे पहुंच जाएंगे बिल्कुल, उसके बाद हमें कहां जाना है, लार्जेस्ट वैल्यू की साइड ट्रावर्स करते जाना है। तो देखते हैं हम कहां पे हैं। पहले हम 50 पे हैं, हमें कहां जाना है पहले लोवेस्ट वैल्यू। और 50 से देखिए लोवेस्ट वैल्यू हमारी इधर की है, तो पहले कहां जाएंगे हम ट्रैक के, इधर जाएंगे, एट द एंड पे हमें खत्म करना है। अगर हमें लार्जेस्ट वैल्यू दी होती क्वेश्चन में तो हमें 50 से स्टार्ट करना था और जितनी भी है लार्जेस्ट वैल्यूज आप देख रहे हो वहां तक हमें ट्रावर्स करना था। 50 से स्टार्ट करके 90 हमारी लार्जेस्ट वैल्यू है, 190 पे नहीं खत्म करना था, बिल्कुल लास्ट वाले ट्रैक पे जाना था। जब हम स्टार्टिंग करेंगे और किसी एक साइड जा रहे होंगे, या तो लोवेस्ट साइड या तो हम अपर साइड जा रहे होंगे, तो दोनों ही केस में हमें क्या करना है, लास्ट वाले ट्रैक तक जाना है। अब जैसे लोवेस्ट साइड में है तो हमें बिल्कुल जीरो तक जाना है, लास्ट ट्रैक पे जाना है। ऐसे ही जगह अगर हमें हाईएस्ट पे जाना होता तो हमें 199 पे जाना था, उसके बाद दूसरी वाली डायरेक्शन में हम ट्रैवर्स करेंगे जो हमारी लास्ट रिक्वेस्ट बन रही होगी। लास्ट ट्रैक पे नहीं जाना, लास्ट रिक्वेस्ट पे जाना है। अभी एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कैसे। 50 पे हमारा रीड राइट हेड है, 50 से हमें कहां जाना है, लोअर साइड जाना है, लो वैल्यू पे जाना है। तो ये सारी हमारी लो वैल्यू है, तो इनमें से सबसे पहले लो वैल्यू कौन सी पड़ेगी हमारी, 43 पड़ेगी। यहाँ पे आ गए हम, 43 हो गया। उसके बाद 24 पड़ेगी, 24 पे आ गए, ये भी हो गया। उसके बाद है हमारी 16 वाली रिक्वेस्ट, ये भी हो गई। अब देखो जीरो वाली रिक्वेस्ट हमारी यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन जब हम स्टार्ट करेंगे, जब हम ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे डिस्क पे, तो हमें लास्ट ट्रैक तक जाना है। यहाँ जीरो तक हम जाएंगे, जीरो के बाद वापिस आएंगे। अब जीरो के बाद हमारी जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे पड़ेगी वो है 82 वाली, तो हम 82 पे आएंगे वापस। 82 के बाद हमारी रिक्वेस्ट पड़ेगी 140 के बाद पड़ेगी 170, उसके बाद पड़ेगी 190। अब 190 के बाद ध्यान रखना है, 190 के बाद 199 पे नहीं जाना है। अगर ऐसे ही हमें ये बोला होता कि लो वैल्यू ना जाके हमें लार्जर वैल्यू पे जाना है, तो स्टार्टिंग में हमने क्या करना था, 50 से लेके इस डायरेक्शन में जाना था, लेकिन कहां तक, 190 तक नहीं, 199 तक जाना था, और लास्ट में ट्रैवर्स करते करते वापस आना था, तो 16 तक आना था, जीरो तक नहीं आना था। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। हम स्कैन एल्गोरिथम में एलिवेटर की तरह चलेंगे। हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, एक साइड जाएंगे जहां हमें क्वेश्चन में मेंशन है लो साइड, तो वहां पे हम लो वैल्यू पे ट्रैवर्स करेंगे स्टार्टिंग में और एंड ट्रैक तक जाएंगे, और फिर ओपोजिट डायरेक्शन में आएंगे और उसकी जो लास्ट रिक्वेस्ट है, ना कि लास्ट ट्रैक, जो लास्ट रिक्वेस्ट है वहां तक हम ट्रैवर्स करेंगे। इस तरीके से हमारी एल्गोरिथम काम करती है, स्कैन एल्गोरिथम इसका नाम है। अगर टोटल सीक टाइम आपको निकालना है तो आप इसका इजिली निकाल सकते हो। टोटल सीक टाइम अगर इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा क्या होगा, 50 माइनस 0, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस केस में, 50 माइनस 0 प्लस में 190 माइनस 0, ये हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा जो टोटल बनेगा वो 240 बनेगा। अब देखते हैं इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। जो इसका रिस्पॉन्स टाइम रहता है वो हमेशा एवरेज रहता है, थ्रूपुट भी इसका हाई रहता है, क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम क्या है, सही है, तो हमारा थ्रूपुट भी क्या रहेगा, सही रहेगा। डिसएडवांटेज की बात करें तो देखो, लॉन्ग वेटिंग टाइम फॉर रिक्वेस्ट फॉर लोकेशन जस्ट विजिटेड बाय द डिस्काउंट। अगर यहाँ पे देखें हम इस प्रॉब्लम में, तो एक बार जब हमने लो वैल्यू वाले ट्रैक्स को कंप्लीट कर लिया और अब हम कहाँ जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब हम टुवर्ड्स हाई वैल्यू जा रहे हैं। तो जब हाई वैल्यू पे जा रहे थे, सपोज अब हम यहाँ पे आ गए 50 पे वापस आ रहे हैं,
ट्रैक करते करते और उसके बाद कोई रिक्वेस्ट आ रही है इन बिटवीन यहाँ पे कहीं पे, तो वो वाली रिक्वेस्ट को हम वहाँ पे वापस से नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पे पूरा ट्रावर्स करेंगे, दोबारा से ट्रावर्स करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में और फिर वो वाली रिक्वेस्ट को लेंगे। तो इस तरीके से क्या है, जो वेटिंग टाइम रहेगा उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए, जिस वाले डिस्क के आर्म पे अभी काम हुआ था उस वाले आर्म से अगर कोई रिक्वेस्ट आ रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने के बाद, तो वो जो वेटिंग टाइम रहेगा उस रिक्वेस्ट के लिए लॉन्ग हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी एल्गोरिथम थी हमारी स्कैन एल्गोरिथम, जो आपको समझ आई होगी इजीली। आप इसके और ज्यादा एग्जांपल करने की कोशिश करना, बहुत ही सिंपल है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।